आज बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। अब उससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक नई स्ट्रेटजी अपनाई गई। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा गया। कांग्रेस का यह कहना है कि यह यात्रा देश को जोड़ने वाली है। इस यात्रा में वो बांटने की राजनीति की जगह महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर विपक्षी दल इन मुद्दों को साथ में उठाने में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने ऐसा लग रहा है कि इससे कन्नी काटी है। किसी ने पहले से तय कार्यक्रम का बहाना बना दिया तो किसी ने कहा कि उन्हें तो न्योता मिला ही नहीं है। आखिर विपक्ष की कैसी मजबूरी है और क्या अपनी सियासत के लिए उनके लिए यात्रा से दूरी बनाए रखना जरूरी है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि यूपी में आकर ये विपक्षी एकता पर सवाल क्यों खड़े हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा में अब तक कोई विपक्षी नेता नजर नहीं आया। अब जबकि यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मायावती, अखिलेश और जयंत जैसे यूपी की सियासत के कद्दावर विपक्षी नेता राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। खबर है कि कांग्रेस ने गैर बीजेपी दलों के कई नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। इनमें शामिल हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी के जयंत चौधरी, अपवाद के तौर पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन उन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर बुलाया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को भी न्योता मिला है। हालांकि कल जब अखिलेश यादव से राहुल के न्योते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार किया। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को, जाएंगे तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो। भारत जोड़ो अपनी जगह है, आंदोलन हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी जी, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो हमें दिखा दो, अगर मिलता है तो फिर क्या बोलूंगा। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में विश्राम के बाद 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार की अगुवाई करने वाली प्रियंका गांधी यात्रा के यूपी चरण में पूरे वक्त मौजूद रहेंगी। इसके बाद बागपत और शामली जिले के रास्ते हरियाणा की सीमा में दाखिल हो जाएगी। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल जी आप उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको यहाँ तो आना ही होगा, तो उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा दिल्ली से हम डाइवर्ट करके उत्तर प्रदेश आएंगे फिर हरियाणा चले जाएंगे। तो वो उत्तर प्रदेश में और गाजियाबाद में आ रहे हैं, इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, खुशी इस बात की होना चाहिए। खबर है कि कांग्रेस ने ऐसी योजना बनाई है कि यात्रा के बचे हुए मार्ग में कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता शामिल हैं। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को भी न्योते की खबर है। महबूबा ने ट्वीट कर कहा है कि वो यात्रा में शामिल होंगी, लेकिन येचुरी के मुताबिक उन्हें न्योता नहीं मिला है। यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल होगी, जो निमंत्रण मिला है आपको? हमें नहीं मिला। साफ है कि कांग्रेस यात्रा के जरिए विपक्षी एकता दिखाना चाहती है, लेकिन अभी इस पर काफी काम होना बाकी है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कश्मीर में पूरी होगी। आज तक ब्यूरो।